तो क्या इस साल की रेसलमेनिया 38 एकदम बोरिंग है और इसे देखने में मज़ा नहीं आने वाला। इसके अलावा गाइस नाइट वन का मेन इवेंट हमें कौन सा मैच देखने को मिलेगा, तो गाइस इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो गाइस अगर हम इस साल के रेसलमेनिया के पूरे कार्ड की बात करें तो सच में देखकर ऐसा नहीं लगता कि रेसलमेनिया काफ़ी बढ़िया होगी, क्योंकि कार्ड पर कुछ ही ऐसे चुनिंदा मैचेस हैं जिनके लिए फैंस सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और कुछ मैचेस जो मेरे दिमाग में फिलहाल आ रहे हैं वो है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का टाइटल यूनिफिकेशन मैच, इसके अलावा एजेन एजी स्टाइल्स का मैच और सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का मैच, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है, यानी कि कोडी रोड्स कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मैच ऑफिशियली कंफर्म हो गया है जिसे आज विंस मैन ने कंफर्म कर दिया। और गैस ये तीन मैचेस जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसके अलावा गैस स्टोन को स्टीव ऑस्टिन और केविन ओवेंस का भी सेगमेंट है जिसे देखने में मज़ा आएगा। और हम कह सकते हैं यही कुछ सेगमेंट्स एंड मैचेस हैं जिनके लिए फैंस सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, और शायद यही वो बड़ा रीज़न है कि आखिर क्यों रेसलमेनिया 38 को देखने में फैंस का ज़्यादा इंटरेस्ट ना बने, क्योंकि यहाँ पर कुछ 4-5 ही मैचेस हैं और सेगमेंट्स हैं जिन्हें फैंस देखने में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे। और गैस पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो रेसलमेनिया के पूरे कार्ड पर लगभग 6-7 ऐसे मैचेस होते थे जिनके लिए फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों की बातों में गैस हमें ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए कि वहाँ पर हमें रेसलमेनिया सिर्फ एक ही नाइट देखने को मिलती थी और WWE के सभी बड़े मैचेस हमें एक ही नाइट पर देखने को मिलते थे। लेकिन अब रेसलमेनिया 2 नाइट की होती है और यहाँ पर WWE को दोनों नाइट्स पर कुछ बड़े मैचेस रखने पड़ते हैं, इसलिए ये चीज़ हमें आगे चलकर काफ़ी बार देखने को मिलेगी कि एक नाइट तो काफ़ी बढ़िया होगी लेकिन हो सकता है एक नाइट इतनी बढ़िया ना हो, जैसे इस साल हमें देखने को मिल रहा है कि नाइट वन तो उतनी खास नहीं लग रही लेकिन गाइस नाइट टू आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर एजे स्टाइल्स और ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस का मैच है। लेकिन इन सब बातों का ये मतलब नहीं है कि मैं कहूँगा कि रेसलमेनिया 38 काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने शो को देखा नहीं है और शो को देखने से पहले जज करना सही नहीं होगा। लेकिन आप फिलहाल कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक डिसेंट सी रेसलमेनिया हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस का मैच हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिले और इसके अलावा गाइस एजे स्टाइल्स अपनी पोटेंशियल पर मैच दे जाएं और सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का भी मैच अगर बढ़िया हो, और उसके अलावा बाकी मैचेस की अगर हम बात करें जो कि रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए होगा, स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए होगा, इसके अलावा कुछ और मैचेस अगर बढ़िया कर जाएं तो गाइस ये रेसलमेनिया काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। लेकिन गाइस यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है कि आखिर रेसलमेनिया की नाइट वन को मेन इवेंट कौन करेगा, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि रोंडा राउजी एंड शार्लेट फ्लेयर मेन इवेंट करेंगी, लेकिन फिर रिपोर्ट्स आई कि केविन ओवेंस एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का सेगमेंट हमें रेसलमेनिया को मेन इवेंट करता हुआ नजर आएगा। बीच में एजे स्टाइल्स एंड एज के मैच के बारे में बातें चल रही थी, लेकिन इस मैच को पहले WWE ने संडे पे रखा, फिर सैटरडे पे रखा और वापस से संडे पे शिफ्ट कर दिया है। तो देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इन दोनों का मैच हमें रेसलमेनिया की नाइट वन को मेन इवेंट करता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल के हिसाब से चांसेस यही हैं कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड केविन ओवेंस का सेगमेंट रेसलमेनिया की नाइट वन को मेन इवेंट करे। लेकिन गाइस मैं चाहता हूँ कि कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस का मैच रेसलमेनिया की नाइट वन को अगर मेन इवेंट करेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें प्रॉपर मैच भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर कोडी रोड्स का भी रिटर्न होगा जिसे फैंस देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और एक मेन इवेंट के लेवल का मैच हमें दोनों सुपरस्टार भी दे सकते हैं। लेकिन गाइस आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके हिसाब से रेसलमेनिया की नाइट वन का मेन इवेंट कौन सा मैच होना चाहिए। और गाइस बस आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना, और साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। तो मिलती है अपनी अगली वीडियो।